हरे कृष्णा। कल हम लोग कुछ दर्शन करने जाएंगे, एक शांतिपुर और एक अंबिका कलना। क्योंकि जो शांतिपुर है वो श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का स्थान है, क्योंकि श्री इसलिए इनका एक नाम है गौर आना ठाकुर। मतलब क्या, जिन्होंने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को वो जगत में लाए, उन्होंने महाप्रभु लाए, इसलिए महाप्रभु कहते हैं सुतिया अचिन खीर समुद्र सागर निद्रा भंग है लंगोर नारायण उठा। मतलब मैं सो रहा था अपना धाम में, लेकिन ये अद्वैत आचार्य की हंकार से मेरा आसन उसने हमें हिला दिया, इसलिए उनको कहते नारा। ये बंगला में कहते नारा, मतलब हिलाना है। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य प्रभु सबसे पहले अद्वैत आचार्य आए। अगर जब उन्होंने आए, उन्हें दुनिया की जगत का स्थिति उन्होंने देखा, कैसे सबके सब जीव कृष्ण विमुख होकर के कुत्ता कुत्तियों के शादी में अरब खरब रुपया खर्चा कर रहे थे, बिल्ला बिल्ली की शादी में कितने रुपया खर्चा कर रहे थे, और चंडी पूजा दुर्गा पूजा उसमें बकरी की वहां पर बलि चढ़ाया करते थे। अगर कोई गीता भागवत भी पढ़ता था ना, लेकिन आपस में केवल तर्क भी तर्क करते थे। इसलिए अद्वैत आचार्य जब उन्होंने इसी जगत में आए, इन्होंने इस सब स्थिति को दर्शन करते हुए इनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। बोले क्यों ये क्रोधित क्यों हुए? कारण है श्री अद्वैत आचार्य ये सदाशिव महाविष्णु है। सदाशिव महाविष्णु जिन्होंने माया को प्रति दृष्टि करने पर ये माया खोबित होकर के अनंत ब्रह्मांड को जो सृष्टि करते हैं, इसलिए जगत के ये सृष्टि करता। इसलिए जो सृष्टि जगत को करता है उनका कर्तव्य भी पालन करना। कहते पालन कैसे करनी चाहिए, क्या केवल खिला पिला करके? नहीं, उनको भक्ति दे करके उनको पालन करनी चाहिए। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य ने देखा, कभी कभी इनको मन बड़ा क्रोध आता था। बोले क्यों क्रोध आता था? बोले इनको तो हमने जन्म दिया लेकिन कोई भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। कभी कभी सोचते थे मैं चक्र लेकर के, अगर कोई भजन नहीं करेगा ना, मैं चक्र लेकर के सबके सब मैंने खत्म कर डालूंगा। कभी कभी इनको अंदर बड़ा क्रोध आता था। लेकिन अद्वैत आचार्य सदाशिव है महाविष्णु, कलयुग का युग धर्म से हरिनाम संकीर्तन प्रचार करना, लेकिन वो प्रचार कर सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा ये काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो कलयुग है ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, ये कलयुग को बताया धन्य कलयुग, जिसको श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं के जावी रे भाई भव सिंधु पार धन्य कलयुगेर चैतन्य अवतार। इन्होंने देखा ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, ये ब्रह्मा का एक दिन में मतलब 1000 चतुर्युग बीतने पर एक बार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में एक बार आते हैं, और आकर के क्या प्रदान करते हैं? बोले ब्रह्मा विरिंचि वांछित जे प्रेम जगत फैलिल ढाली कांगाले पाया खाइल नाचिया बाजाया करता है। जो प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, लेकिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उसी प्रेम को बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे केवल बोले बाजा या करताली। बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल करताली मतलब कर मतलब हाँ, ताली मतलब ताली बस, केवल थोड़ी सी ताली बजाते हुए अगर भगवान का नाम ले ले बस वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत में बताए ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि युग का नाम ही कलयुग है, जहाँ केवल झगड़ा देश देश में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में, केवल झगड़ा रूप है ही नहीं। इसलिए कलयुग में कोई जन्म नहीं लेना चाहते, लेकिन ये कलयुग में कहते जो सत्य त्रेता और द्वापर सत्य युग को कृत युग बताया गया, इसमें धर्म का चार चरण था, और त्रेता युग में स्वयं राम आए राम राज्य बताए जहाँ पर कोई दुखी नहीं थे, और द्वापर युग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म कृष्ण स्वयं आए, हाँ धर्म की चार चरण। लेकिन कहते सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं,
देवता लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है कलयुग में केवल थोड़ी सी साधन भजन करने पर, केवल चार नियम को पालन करो, चार नियम को पालन करो, पालन करते हुए और क्या करो, कौन सा वैष्णव? तीर्थ महाराज जी बोल रहे थे ना, जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्त रे तुम्हें नित्य कर संग, तबे तो बुझीबे तुम्हें सिद्धांत कर गो। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हाँ भक्तों का संगत करनी चाहिए, लेकिन कौन सा भक्तों का संगत करनी चाहिए? बोले सब भक्तों का नहीं, बोले चैतन्य भक्त रे तुम्हें नित्य कर संग। जो लोग महाप्रभु की अनुगत्य में आए हैं, महाप्रभु की धारा में आए हैं, ऐसे भक्तों का संग करनी चाहिए। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक विशेष बात कहते हैं, कहते श्री विशेष बात श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर केवल राधा कृष्ण की उपासना करोगे ना, पर जो सिद्धि प्राप्ति होगी फिर आप राधा कृष्ण का धाम में जाओगे, लेकिन अगर श्रीमन महाप्रभु की आनुगत्य में, महाप्रभु की धारा में जो वैष्णव लोग आए हैं, अगर इनकी आनुगत्य में भक्ति करोगे, अगर दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू, एक हाथ में लड्डू नहीं, कितने हाथ में लड्डू? बोले दोनों हाथ में लड्डू। बोले क्या है? प्रभु जी कैसे मुंह में आनी चाहिए, इसलिए कहते दोनों हाथ में लड्डू है, इसलिए दोनों हाथ में लड्डू क्या है? बोले जब सिद्धि प्राप्ति होगी, अब एक साथ में एक स्वरूप में श्री महाप्रभु के धाम में जाओगे और एक स्वरूप में श्री राधा गोलोक वृंदावन में जाओगे। जैसे श्री रूप गोस्वामी कहती है श्री महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी, लेकिन श्री राधा कृष्ण की लीला में रूप मंजरी। सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला में कहती है श्री लवंग मंजरी, लेकिन महाप्रभु की लीला में श्री सनातन गोस्वामी। स्वरूप दामोदर कृष्ण महाप्रभु लीला में स्वरूप दामोदर, और कृष्ण लीला में कौन है बोलो, बोलो कौन है भाई? बोल भी रहे क्या है? हाँ कौन है? कहते श्री ललिता है। इसलिए जब सिद्धि प्राप्त करोगे उसी समय में एक साथ दो धाम में सेवा प्राप्ति होगी। इसलिए ये धन्य कलयुग, इसलिए श्री अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं, लेकिन ये प्रेम को मैं नहीं दे सकता, ये प्रेम को मैं नहीं दे सकता, कौन दे सकते हैं? कहते मेरे प्रभु दे सकते हैं, श्री सचिनंदन श्री गौर हरि दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने तुलसी दल को लेकर उन्होंने हुंकार किया, हुंकार किया तो कहते इनकी हुंकार सुन करके स्वयं श्रीमन महाप्रभु हुए श्री श्वेत दीप से इसी जगत में श्री महाप्रभु के रूप में आए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि जय कर, आनंद नहीं आया कुछ तो है कुछ जय गए जोर से बोला। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमद अद्वैत आचार्य की। इसलिए मैंने इतनी कथा सुना दी। कल हम लोग ने देखो, कल हम लोग ने श्री महाराज घर घर शांति चाहते हो, कल हम श्री शांति पुरुष की अद्वैत आचार्य प्रभु का स्थान पे जाएंगे, जहाँ पर हाँ जो शांति चाहते हैं महाराज कहते हैं जरूर। इसलिए कल हम लोग उसको दर्शन करने जाएंगे, जैसे कल सवेरे 6 बजे यहाँ से जाएंगे हम, जब संकल्प करके वापस आएंगे यहाँ पर, जो जो लोग जाना चाहते हैं यहाँ पर प्रसाद पा लेना, ठीक है? वहाँ प्रसाद पा लेना और नहीं जल्दी आ जाएंगे, प्रसाद पा लेना और यहीं पर गाड़ी खड़ी रहेगी, पास में गाड़ी खड़ी रहेगी, हम लोग प्रसाद पा करके गाड़ी में आप बैठ जाना। हम कोशिश जितने जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, जैसे दोपहर का प्रसाद में जैसे हम टाइम से आ जाएंगे, इसलिए 12:30 बजे आते हैं, इसलिए लेट नहीं करना, जो लेट करेगा हम उसको साथ में नहीं ले जाएंगे, आते ही प्रसाद पाए और गाड़ी में सीधा बैठ जाए, और जितने जल्दी कोशिश करेंगे उतना जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि परसों हमारी परिक्रमा श्री मायापुर है, परिक्रमा हमारी मायापुर, ठीक है? कौन जाना चाहते हैं? हाँ कितने? एक दो ठीक है, बस में बैठ जाना, ठीक? अगर बस अगर
हमारे चार ही बस है और एक पांच बस है, एक पांच में छोटा है चार। हाँ, जो पहले आएगा भर जाएगा तो फिर और नहीं होगा तो हम उनको नहीं ले जाएंगे, जो पहले बैठ जाएगा उनको लेकर हम चल पड़ेंगे। ठीक है, सबके सब खड़े हो जाओ, थोड़ी कीर्तन कर लेंगे। हरि बोल, हरि कृष्ण। गौरव, गौरव, गौरव है, गौरव गौरव प्रभु कीर्तन हो जाओ, आ जाओ। करताल है रामानंद कृष्णानंद, इसको थोड़ा बजाओ तो देखो कैसे बजता है, बजाओ तो। ये पहला बार हरे कृष्ण महाराज जी आ जाए। करताल है, करताल, करताल नहीं है। श्री कृष्ण जय करुणा प्रभु नीतनाथा, Thank you.
Thank you.
कि इधर तो कृष्ण का मैंने जीत रहे मेरे आधा रन मैं खा रही हूँ सब चुपचाप है क्या चक्कर क्या है क्या प्रसाद नहीं पाए इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद राधा रानी का दल हार रहे कृष्ण का दल हार नहीं रहे ये कन्या आज आज